Assalamualaikum dear friends, हम करेंगे बात जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो भी न्यूज़ में है उनकी हम बात करेंगे। देखिए एक लंबी लिस्ट दी हुई है जो आपका शंकर आईएएस का बुक है या कोई भी बुक आपके पास जो भी बुक्स हैं उस पर एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है, तो एक बार आपको उसको देखना ज़रूर है। ओके देखिए अगर एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न तो वहाँ बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे जेकेपीएससी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, कोई नेशनल पार्क का नाम देके कि ये कहाँ पे है। अभी देखिए आप ये समझ लीजिए कि जो न्यूज़ में है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये है कि आप खुद से आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा उन चीज़ों को याद करना है, उसमें रटना है, थोड़ा थोड़ा याद रटना है, लेकिन हाँ ये अंडरस्टैंड करना है कि जेकेपीएससी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो हम पहले बात करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो न्यूज में रही उनकी हम बात करते हैं। देखिए पहला जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अभी क्या है यहाँ पे इंडियन गोअर को स्पॉट किया गया जिसे हम बिसन भी कहते हैं, आप देखेंगे इट्स लाइक बफलो, बफलो होता नहीं लेकिन बफलो के जैसा ही होता है। तो इंडियन गोअर जो है ये वल्नरेबल है और ये माना जाता है कि इट्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोवाइन, बोवाइन आप समझ लीजिए जो ऑक्स या काउ जिस फैमिली से आता है उसको बोवाइन कहते हैं, एंड 85% इसकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। असल में ये स्टेट एनिमल है बिहार का और गोवा का दोनों का, लेकिन ये स्पॉट किया गया फर्स्ट टाइम फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि महाराष्ट्र में, इसलिए फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है थोड़ा सा न्यूज में आ गया। उसके बाद हम करेंगे बात जिसे कहते हैं नागी नकती बर्ड सेंचुरी, बिहार में है ये। तो यहाँ पे एक कलरव, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा के एल आर ए वी कलरव बर्ड फेस्टिवल हुआ था, असल में ये दो डैम्स है नागी डैम और नकती डैम, तो इनको मिला के ही ये नागी नकती जो बर्ड सेंचुरी है ये बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे हाँ कलरव जो था बर्ड फेस्टिवल वो बिहार की नागी नकती बर्ड सेंचुरी में मनाया गया। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसने, ये यूपी में है, तो इसने इट हैज वन इंटरनेशनल अवार्ड किसमें, TX2। अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, आपको पता है मैं हमने डिस्कस किया था क्लास में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था, और एक कंट्री है जिसने सबसे पहले वर्ल्ड में ये अचीव किया था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया था, और वो कंट्री है नेपाल, आई होप आपको याद। और अभी की न्यूज है कि इंडिया ने भी ये अचीव किया है। सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज इट हैज वन इंटरनेशनल अवार्ड TX2 का, या T x 2 का मतलब डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन का अवार्ड जीता है। उसके बाद शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने उत्तराखंड को, असल उत्तराखंड की गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप जी अगर एयरपोर्ट बना रहे हैं तो आपको सेंसिटिविटी जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको आपने मेंटेन करके रखना है। आप मतलब असल में इन्होंने जो गवर्नमेंट है वहां की उन्होंने प्लान किया था कि इसको थोड़ा सा जो स्केड्यूल्स हैं उनसे बाहर निकाला जाए, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन कोर्ट बीच में आया और कोर्ट ने बोला नहीं जी आपको इन सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क जो है ये असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ रायमोना नेशनल पार्क जो कि है कोहराजार फॉरेस्ट में, अभी अप्रूव हुआ है तो हो सकता है आ जाए, जब तक हमारा एग्जाम हो तो तब तक आ जाए कि ये जी कहाँ पे है। ओके उसके बाद हम करेंगे बात तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व की, ये दूधामार्ग एरिया है महाराष्ट्र में। ओके अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है असल में जो वहां पे दूधामार्ग फॉरेस्ट है उसका एक एरिया है अराउंड 29.53 किलोमीटर्स को डिक्लेयर किया है कि इसको जी हम बनाएंगे तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है जी। अब ये तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये कनेक्टेड है टू महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गोवा में है और भीमगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, तो इनके साथ ये लिंक्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व आप बोलेंगे महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करेंगे राजाजी नेशनल पार्क, ये हरिद्वार में है। अब ये न्यूज में क्यों, हरिद्वार उत्तराखंड में, इसमें असल में स्कफल हुआ था, झगड़ा हुआ था, जो वन गुजर्स है वहां की एक ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो लोकल पुलिस उनके आपस में थोड़ा सा स्कफल हुआ था, दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। ओके और यहाँ पे मैंने ये बुग्याल्स जो हैं ये ग्रासलैंड्स ऑफ उत्तराखंड है, तो ये भी आप न्यूज रखेंगे या आप अपने नोट्स में ऐड करके रखेंगे। ओके इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी जो है, इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी ये प्लान की जा रही है कोपाल कर्नाटका में,
सो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या खास बात है कि ये अभी जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये आ गई है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आ गई है। ये तो पहले से ही थी, इट वाज इन एग्जिस्टेंस, लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आ गई है। सो जेकेपीएससी आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आ गया, तो आपका आंसर होना चाहिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये ऑलरेडी टाइगर रिजर्व भी है, उसकी हमने बात की है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड ऑल। उसके बाद कनरगांव सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। सो कनरगांव, अगर इस पे क्वेश्चन आता है कनरगांव सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया कि अपनी जो 50th ये सेंचुरी है ये उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजस्थान में है। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसे कहते हैं मिशन लंताना। सो लंताना क्या है, ये असल में एक इन्वेसिव स्पीशी है। पहले हमने एक बार डिस्कस किया था इन्वेसिव स्पीशी क्या करती है। अभी इन्वेसिव स्पीशी जो लंताना कहते हैं कि ये जो अंग्रेज थे उन्होंने लाया था यहाँ पे लंटाना। क्यों लाया था, बिकॉज इसका एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, मतलब कि सजावट के लिए एंड ऑल। लेकिन ये स्प्रेड बहुत ज्यादा इन्वेसिवली होता है। उसके बाद इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्लावर होता है, वो थोड़ा सा उसमें टॉक्सिन भी होता है। अभी होता है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी एरिया में ये गया तो ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। फैलने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि पहला फर्स्ट थिंग जो घास है या जो नेटिव वहां पे ऑलरेडी घास एग्जिस्टेंस में था, तो उनकी न्यूट्रिशन ये खा जाएगा। सेकंड थिंग, अब जो हर्बिवोरस एनिमल्स हैं जैसे डियर है, उनके लिए घास रहेगा नहीं। अगर वो खाएंगे लंताना को खाएंगे तो ये टॉक्सिक है। ऐसा भी है कि उसको ये उसको खाएंगे नहीं क्योंकि आदत नहीं है ये खाने की। जो उनका घास वास है, जो उसका न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है, वो लंताना खा जाता है। सो घास बढ़ेगा नहीं, जब घास नहीं बढ़ेगा तो डियर नहीं बचेगा, डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फूड चेन और फूड वेब में हमने डिस्कस किया है, तो कैसे फिर जो सारा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। उसके बाद महानंदा सेंचुरी है, ये वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल हुआ था, दैट्स वाई ये न्यूज में है। यहाँ पे मैंने फ्लेमिंगो लिखा है, ये यहाँ पे नहीं, ये पुलिकट लेक पे होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये। उसके बाद दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ना, इट हैज बीन अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। अपग्रेडेशन है, तरक्की हुई है इसकी। जो दिहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट्स इन असम, ठीक है जी। सो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गोर स्पॉट किया गया। उसके बाद नागी नकती सेंचुरी में कलरव बर्ड फेस्टिवल था। फिलिबियर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है, उसे टी एक्स टू अवार्ड मिला। शिवालिक का उत्तराखंड में है। रायमोना अब प्लान की जा रही है असम में। उसके बाद जो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, मिशन लंताना उन्होंने शुरू किया था। महानंदी सेंचुरी जो है वो वेस्ट बंगाल में है। फ्लेमिंगो का आपका होमवर्क है, ये देखिएगा पुलिकट लैक कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, हमने एक बार इस पर 2 मिनट के लिए बात भी की थी क्लास में। उसके बाद दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट हैज बीन अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क, ये असम में है। उसके बाद हमने जनाब जो बात की थी तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व जो है महाराष्ट्र में, राजाजी नेशनल पार्क जो हरिद्वार उत्तराखंड में है, यहाँ पे स्कफल हुआ था। इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी जो है ये प्लान की जा रही है कर्नाटका में। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आ गया है। उसके बाद कनरगांव जो सेंचुरी थी ये वो महाराष्ट्र की 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको डिक्लेयर किया गया। थैंक यू, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज मुझे आप कॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।